हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले ही वाले लेक्चर में हमने सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हम थोड़ा रिवाइज़ करेंगे। हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होते हैं वो या तो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सेल से बने होते हैं, ठीक। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि सेल को अगर हम ब्रिक से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सिमिलर, ये कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ये भी देखा था कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, और उसने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके बारे में भी हमने देखा था, ठीक। उसके बाद आज के क्लास में हमें स्टार्ट करना है 8.2, दैट इज़ द सेल, ठीक। यहाँ से देखो क्या लिखते हैं। Both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. बहुत आसान है, देखो। दोनों, चाहे bricks building में हो या cell living organisms में, दोनों क्या करते हैं? Basic unit का काम करते हैं। Basic unit का काम करते हैं, structural unit. Structural unit means, यानी अगर building को, building के structure को अगर बनाना होगा, उसका basic unit क्या है? Bricks, ठीक। उसी तरह से living organisms के अगर structure को बनाना होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? Cell. तो यहाँ पर एक सिमिलरिटी दोनों में क्या है, चाहे ब्रिक्स हो या सेल, दोनों क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यहाँ तक समझ आया? अब देखो, द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइंस। बिल्डिंग्स जो एक जैसे ईंट से बना होगा, एक एक जैसे, यानी सिमिलर ईंट्स को अगर ले लेंगे तो उससे हम डिफरेंट डिजाइंस की बिल्डिंग बना सकते हैं, या बिल्डिंग्स के अलग अलग शेप बना सकते हैं, और बिल्डिंग्स के डिफरेंट साइज बना सकते हैं, ठीक। यहां तक समझ आया? सिमिलरली उसी तरह से इन द लिविंग वर्ल्ड में भी ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। जिस तरह से बिल्डिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन बना है सारे एक एक जैसे ईंट से, उसी तरह से ऑर्गेनिजम्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स एक यूनिट से बना होते हैं, दैट इज सेल, यानी सेल से बना होगा, ठीक। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर हम उसको नॉन लिविंग ब्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा मुश्किल है, ठीक। ब्रिक्स को देखेंगे तो ये इसका कंपोजिशन बिल्कुल ईजी होते हैं, और अगर सेल को देखेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस क्या लिखा है, हेंस इग कैन बी सीन ईजिली। एक मुर्गी के अंडे को हम आसानी से देख सकते हैं। इज इट अ सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हेन का जो इक है वो एक सेल होते हैं या वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ठीक। क्या होते हैं जरा बोलो, सोचो, शाबाश। अब देखो, ये रहा ब्रिक वॉल, ये रहा सेल का स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर, द इक ऑफ ए हेन रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल। हेन का जो इक होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। एंड इज बिग एनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, और उसको हम नेकेड आई से हम देख सकते हैं। सिंगल सेल है और नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। चलो यहां तक समझ आया? सेल क्या है? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। यहां तक इतना पढ़ा हमने, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आया कि हेन का जो इक वो सिंगल सेल होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? ये सिंगल सेल होते हैं, ठीक। यहां तक समझ आया? अब नेक्स्ट 8.3, ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम सेल नंबर देखेंगे वो अलग अलग होते हैं, और शेप अगर देखेंगे तो सेल का शेप भी सब में अलग अलग होते हैं। एंड साइज, साइज को अगर देखेंगे वो भी वेराइटी होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं। वेराइटी मीन्स डिफरेंट, ठीक है। साइज भी सबका अलग अलग होते हैं, यानी कुछ स्मॉल, कुछ मीडियम, कुछ लार्जर, इस तरह से हो सकते हैं। सेम साइज का नहीं होगा, सेम शेप का भी नहीं होगा, सेल सेम सेल नंबर सब में नहीं होगा, ठीक। यानी सब वेराइटी में होगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक। अब देखो, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइंटिस्ट सेल को किस तरह से मुशाहिदा करते हैं, और साइंटिस्ट एक लिविंग सेल को किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से वो देखते हैं? तो देखेंगे, दे यूज माइक्रोस्कोप्स। वो क्या करते हैं? सेल को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं।
विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, जो क्या करते हैं चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा बनाते हैं। स्टेन्स यानी डाइज, कलर होते हैं, कलर है स्टेन। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। सेल को कलर लगा के हम सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। सेल की स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करने के लिए हम डाई इस्तेमाल करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर मिलियंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेप में अगर देखेंगे वो डिफरेंट होते हैं, साइज में भी उनका डिफर होते हैं। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल, उनके ऑर्गन्स भी का शेप अगर देखेंगे, साइज देखेंगे या नंबर देखेंगे, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, चलो हम इनमें से कुछ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ सेल्स, सेल की तादाद। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लंबा सा दरख्त या एक बड़ा सा हाथी, उसमें अगर आपको कहा जाएगा कि कितने सेल होगा तो अंदाजा लगा सकते हैं? तो देखो द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, अगर उनमें हम सेल का तादाद अगर देखेंगे तो कितना होगा, बिलियंस में होगा। एक ट्री जो है बिलियंस या ट्रिलियन सेल से बना होगा, उसी तरह से एक एलिफेंट भी क्या होगा, बिलियंस या ट्रिलियन सेल से बना होगा। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज, ह्यूमन का बॉडी भी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना होते हैं, जिसका विच वेरी इन शेप्स एंड साइज, और इनका शेप या इन सेल का साइज अगर देखेंगे वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। ठीक, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन, और हर ग्रुप ऑफ सेल मीन सेल्स की कुछ झुंड अलग काम करेगा, कुछ अलग काम, जैसे रेस्पिरेशन वाला सेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन का काम करेगा, वो डाइजेशन का काम नहीं करेगा। तो डाइजेस्टिव सेल क्या करेगा, वो डाइजेशन का काम करेगा, रिप्रोडक्शन का काम नहीं करेगा। उसी तरह से ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर ए बिलियन इज अ थाउजेंड मिलियन, बिलियन क्या होते हैं, थाउजेंड मिलियन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक इसमें हम देखेंगे कि मिलियन क्या होते हैं, मिलियन में तकरीबन कितने जीरो होगा, सिक्स जीरो होगा। तो थाउजेंड मिलियन में कितना होगा, नाइन जीरो होगा। ठीक है, थाउजेंड मिलियन का एक बिलियन बनते हैं, थाउजेंड मिलियन का कितने क्या बनते हैं, एक मिलियन बनते हैं। अगर हमें एक ट्रिलियन बनाना होगा उसमें कितना है, थाउजेंड बिलियन है, तो और तीन जीरो लगाओ, ट्वेल्व जीरो। ठीक है, ये हो गया एक ट्रिलियन, अगर नाइन जीरो होगा तो एक बिलियन, ठीक, और ट्वेल्व जीरो होगा तो क्या बना, एक ट्रिलियन बना, यानी इतने सेल से बने होते हैं। ठीक, एक लंबा सा दरख्त या एक बड़ा सा हाथी, ह्यूमन बॉडी में भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। यहां तक समझ आए? ओके, अब देखो ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर, मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स सेल। ठीक, ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हर वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बना होगा, चाहे एक से ज्यादा, दो तीन, बहुत सारे होंगे, तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत सारे सेल से बना हुआ ऑर्गेनिजम्स। द नंबर ऑफ सेल्स बींग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डस नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कम सेल से बना होगा तो सेल के कम होने की वजह से उसके फंक्शन पर कोई असर नहीं होते हैं, उसमें भी फंक्शन होते हैं। ठीक, यू विल बी सरप्राइज इट, आप हैरान हो जाएंगे, टू नो, जब ये जानेंगे दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल, जो ऑर्गेनिजम्स जिसमें अगर बिलियन ऑफ सेल है, जैसे अगर ह्यूमन देखेंगे उसमें हमने देखा कि ट्रिलियन ऑफ सेल था, तो असल में ये ट्रिलियन ऑफ सेल का बना हुआ एक ह्यूमन बींग या ट्रिलियन ऑफ सेल का बना हुआ एक टॉल ट्री जो है वो सबसे पहले एक सेल से शुरू होते हैं, फिर एक से दो बनते हैं, फिर दो से चार, इस तरह से नंबर बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं। लाइफ बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग, जो सिंगल सेल से बना होगा यानी फर्टिलाइज्ड एग। ठीक, द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स मल्टीप्लाइज, फिर उसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग जो एक सेल है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स इंक्रीज हो जाते हैं, एक से दो बन जाते हैं, फिर दो से चार बन जाते हैं, उसी तरह से तादाद बढ़ते जाते हैं। एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जिस और जितना हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, और हमारा डेवलपमेंट भी होते जाते हैं, छोटे से बड़ा होते जाते हैं। ठीक, लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी, फिगर 8.3 ए और बी को देखिए, यानी ये वाला अमीबा एंड पैरामीशियम को। ठीक है, इसको देखो, बोथ ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स
चाहे अमीबा हो या पैरामीशियम, आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये दोनों एक सेल से बने होते हैं। कितने सेल से बने होते हैं? एक सेल से बने होते हैं। ये मल्टी सेलुलर नहीं है, बल्कि ये क्या है? सिंगल सेल से बने हैं। द सिंगल सेलिट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बना होते हैं वो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो ज्यादा से ज्यादा सेल से बना था उसको हमने बोला था मल्टी सेलुलर। जो एक ही सेल से बने होते हैं उसको हमने क्या बोला? यूनिसेलुलर। तो सेल के नंबर के बेस पर ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा या तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके, ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ए सिंगल सेलिट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बना होगा या जो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा से ज्यादा सेल से बना होगा, ठीक, दोनों में, चाहे एक सेल से बना हो या ज्यादा सेल से, नंबर ऑफ सेल से बना हो, दोनों में फंक्शन जो है सेम होते हैं। कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बना होगा उसमें भी न्यूट्रिशन होगा, उसमें भी एक्सक्रीशन होगा, उसमें भी डाइजेशन होगा, सारा काम उसमें होगा, एक सेल के अंदर ही होगा। और जो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा नंबर ऑफ मल्टी सेल से बना हो, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, उसमें भी वही फंक्शन होते हैं। ठीक, यानी फंक्शन एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फंक्शन होते हैं। ठीक, ए सिंगल सेलिट ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, ठीक, जब ये भी हमने देखा फिगर 8.A में, कैप्चर्स ये पकड़ते हैं एंड डाइजेस्ट फूड खाने को कैप्चर करते हैं, फिर उसके बाद डाइजेशन करते हैं। एक सेल का बना हुआ है। रेस्पायर, इस एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में रेस्पायरेशन भी होते हैं, एक्सक्रीट एक्सक्रीशन भी होते हैं, ग्रोस यानी ये बड़ा भी हो जाते हैं, एंड रिप्रोड्यूस, इससे और सेल भी बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बने हैं, इससे और दूसरा ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक, यानी ऑर्गेनिजम्स अगर एक सेल का भी बना होगा तो उसमें भी सारा का फंक्शन होगा, और ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेल से बना होगा उसमें भी सिमिलर फंक्शन होगा। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड आउट बाई ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। यही काम जो सिंगल सेल में हुआ, जैसे डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, वो मल्टी सेलुलर में होते हैं। लेकिन मल्टी सेलर में किस तरह से होते हैं? वो ग्रुप ऑफ सेल में होते हैं, एक सेल से नहीं होते हैं बल्कि ग्रुप ऑफ सेल से। जैसे डाइजेशन को अगर हम देखेंगे तो डाइजेशन में बहुत सारे सेल से मिलकर एक टिश्यू बना होगा, टिश्यू से एक ऑर्गन बना है, डाइजेस्टिव ऑर्गन। फिर उसके बाद इस ऑर्गन में क्या होते हैं? सारे ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं? रेस्पायरेशन का काम करेगा। उसी तरह से कुछ ग्रुप ऑफ सेल क्या करेगा? एक्सक्रीशन का काम करेगा। ठीक है, जो डाइजेशन का काम करेगा वो एक्सक्रीशन का काम नहीं करेगा। ठीक है, टिश्यू जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। ठीक, टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, फिर ये टिश्यू ऑर्गन बन के फंक्शन करते हैं। ठीक है, सेल से सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू सारे मिलकर ऑर्गन्स बनेंगे, और इसी ऑर्गन में क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक, लाइफ प्रोसेस होगा। यहाँ तक समझ आया? ओके, नेक्स्ट देखो, शेप ऑफ सेल। चलो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।